सो हेलो एवरीवन, आज है अपने पास आईफोन 16 प्रो मैक्स। जी हाँ, आईफोन 16 प्रो मैक्स जो है एप्पल का सबसे लेटेस्ट फ़ोन, और यह है डेजर्ट टाइटेनियम में, और इसके 10,000 रुपये एक्स्ट्रा लगे हैं। आप सबके रिक्वायरमेंट पे मैंने ये मंगवाया है, और आज अपन इसकी अनबॉक्सिंग करने वाले हैं और इसका रिव्यू देंगे, क्योंकि इसको यूज़ करते हुए मेरे को 15-20 दिन ऑलरेडी हो चुके हैं, तो मैं इसका रिव्यू आपको अच्छे से दे पाऊंगा, इसका एक्सपीरियंस कैसा रहा है, फ़ोन कैसा है, कैसा चल रहा है, कैसा नहीं है। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले। तो यार, एप्पल ने सबसे पहले बॉक्स तो यार बहुत ही ज़्यादा छोटा कर दिया है। सबसे पहली बात तो ये है, ये देखिए, और मतलब बहुत ही छोटा बॉक्स कर दिया है। तो देखते हैं इसके अंदर, और ये फिनिशिंग बहुत ही शानदार है। तो अब बॉक्स को लेट्स सी ओपन करते हैं। मैंने आपको पहले ही बोल दिया कि फ़ोन यूज्ड है मेरा, ये 10-15-20 दिन हुए, ज़्यादा नहीं हुए। तो यार लेट्स सी, ये है अपना फ़ोन, ये देखिए। तो फ़ोन को थोड़ी देर साइड में रखते हैं अपन। सबसे पहले अपन, मैं आपको बताता हूँ इसमें क्या क्या आता है। सिम इजेक्टर टूल मिलेगा आपको, और केबल इसी में मिलती है, चार्जिंग केबल, ठीक है। चार्जिंग केबल वो घर पे है, ये चार्जिंग केबल, ठीक है। और एडेप्टर आपको अलग से लेना पड़ेगा, और इसमें सिम एग्जेक्टर टूल मिलेगा, और इसमें गाइडेंस वगैरह ये नॉर्मल भी लेगी। पहले एप्पल का लोगो आता था हर फोन के साथ, तो अब आपको वो भी नहीं दिया जाएगा, और बस केबल आती है और कुछ भी नहीं आता, और सिम एग्जेक्टर टूल और ये कुछ नॉर्मल गाइडेंस आता है, और बॉक्स में आपको कुछ भी नहीं मिलेगा, खाली बॉक्स मिलेगा आपको। तो ये छोटा सा बॉक्स है। तो चलते हैं अपने फ़ोन की तरफ, जो मेन है। तो भाई ये है फ़ोन, और इसको चालू करते हैं सबसे पहले तो अपन। भाई ये हो गया चालू। तो यार, एप्पल ने आईफोन 16 प्रो मैक्स में इस बार सबसे खास फीचर जो दिया है ना भाई, वो ये है, क्योंकि इससे आप एक क्लिक में कैमरा ऑन कर सकते हो। यह कोई ब्लॉगर है, कोई यूट्यूबर है, कोई वीडियो बनाने का शौकीन है, क्योंकि आईफोन कौन लेता है, ज़्यादातर वही लेते हैं जो यूट्यूब पे वीडियोस वगैरह बनाते हैं, इन्फ्लुएंसर वगैरह, ऐसे नॉर्मल लोग भी रखते हैं, लेकिन जो वीडियो के शौकीन है ना, वो आईफोन ज़रूर रखते हैं। तो इन उनके लिए ये फीचर आया है कैमरा वाला, ये मेरे को बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही प्यारा लगा। और ये है टाइटेनियम में, आप देख सकते हो 15 में गोल्ड कलर हटा दिया गया था, 16 में वापस से गोल्ड कलर आ गया है। ये देखिए, ये डेजर्ट टाइटेनियम में है, और इसके 10,000 रुपये एक्स्ट्रा लगे हैं। तो देखो कितनी प्यारी फिनिशिंग लग रही है इसकी, और बहुत ही शानदार लग रहा है फ़ोन, ये देखिए। और ये नॉच तो इसमें आता ही है, ठीक है। और इसमें सबसे पहली बात यह है कि ये इसकी जगह प्लस पहले स्लाइड आता था, और ये अब बटन ऐड कर दिया गया है, ये देखिए। इस बटन को प्रेस करते हैं तब जाके म्यूट, अनम्यूट, साइलेंट वगैरह होता है। ये बटन न्यू फीचर ऐड कर दिया गया है। एप्पल ने दो ही न्यू फीचर ऐड किए हैं, और ये बटन कैमरे वाला। और आप पीछे से देखोगे तो 15 की तरह ही दिखेगा आपको, ज़्यादा कुछ वो नहीं है, बस ये बटन ऐड किया गया है, और कैमरे में वगैरह, प्रोसेसर वगैरह इनमें अलग आए हुए हैं, और बस साइज़ में थोड़ा बड़ा है। ये आईफोन 15 की बजाय 16 प्रो मैक्स बड़ा है, तो आप लोग देख सकते हो, और इसको मैं दिखाता हूँ आपको। और इसमें कैमरा भी बहुत अच्छा आता है, कैमरा क्वालिटी आप लोग देख सकते हो, इसकी जूमिंग क्वालिटी बहुत ही ज़्यादा बढ़ गई है। ये देखिए। और इसमें खास फीचर एक और लगा मेरे को, जो लोग वीडियोस थोड़ा पास लाइए, इसमें खास फीचर ये लगा मेरे को, मतलब अपन 4K में वीडियो बनाते हैं तो फ्रेम रेट अपन चूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये 16, ये 120, ये 120 हो गई ना, इसमें बनेगा फुल HD अल्ट्रा HD वीडियो, इसमें बहुत ही शानदार HD वीडियो बनता है। और यह फीचर मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा, क्योंकि इसमें अपन फुल HD में वीडियो बना सकते हैं, और यह फ़ोन आप आँख नीच के ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ये तुम्हारा भाई का पर्सनल सजेस है। और कैमरा किस प्रकार से ऑन होता है मैं आपको वो दिखा देता हूँ एक बार। ये बटन क्लिक किया, ये कैमरा ऑन हो गया, और भाई जूम आउट, ये देखिए, इससे जूम भी होता है और जूम आउट भी होता है। ये देखिए, ये जूम हो गया, ये जूम आउट हो गया, वैसे ये वीडियो चालू हो गया, और इससे फ़ोटो भी खींचती है। तो फ़ोन बहुत ही प्यारा है, आप ले सकते हो, नो झिझक।
बहुत ही शानदार फ़ोन है, बहुत ही शानदार फिनिशिंग है। सबसे ज़्यादा तो फिनिशिंग मुझे इसलिए अच्छा लगता है क्योंकि ये टाइटेनियम आता है और टाइटेनियम आप जानते ही हो ज़्यादातर लोग टाइटेनियम क्या होता है। टाइटेनियम एक बहुत ही मजबूत, गाइस टाइटेनियम एक मेटल होती है, मतलब मेटल जो वस्तु होती है लोहा होता है उसी की तरह टाइटेनियम होता है। तो कंटिन्यू करते हैं अपने फ़ोन पे। तो यार गाइस इसमें आपको लार्जेस्ट बैटरी देखने को मिल जाती है और इसकी बैटरी बहुत ही शानदार चलती है, बहुत ही ज़्यादा अच्छी चलती है ये, क्योंकि मैं इसको यूज़ कर रहा हूँ, ये मेरा पर्सनल सजेस है, मैं पर्सनली बता रहा हूँ, बहुत ही शानदार बैटरी चलती है इसकी। अब मैं बता नहीं सकता आपको, दो दिन बैटरी चलती है इसकी, पूरे दो दिन। और इसमें ये जो ये है नोजल्स, तो यार गाइस इसमें ये जो नोजल्स देख रहे हो ना आप, यह भी कम कर दिया गया है बहुत ही ज़्यादा। ये देखिए, पहले आपको बहुत ही ज़्यादा नोजल्स देखने को मिलते थे, जैसे ये फ़ोन है ये देखिए। अब इस फ़ोन में मैं आपको दिखा दूँ, ये कौन सा फ़ोन है, ये 13 है, इसमें नोजल्स देखिए एक बार आप, और इसमें देखिए एक बार डिफरेंस आ रहा है ना, दिख रहा है ना। तो यार गाइस इसे बोलते हैं नोजल्स, और बहुत ही शानदार फ़ोन आया है एप्पल ने, बहुत ही शानदार फ़ोन निकाला है। तो 17 फ़ोन आएगा, उसमें देखते हैं क्या है, और ये 1,45,000 रुपये का पड़ेगा आपको पूरा। तो ले सकते हो आप ये फ़ोन, और बहुत ही शानदार फ़ोन है। और यार गाइस अगर आप YouTube पे वीडियोस वगैरह बनाते हो, इंस्टा पे वीडियोस वगैरह बनाते हो, तो यार ये फ़ोन आपके लिए बहुत ही बेस्ट होने वाला है। ये मेरा पर्सनल सजेस है, आप फ़ोन ले लेना, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ही शानदार फ़ोन है, आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। इसकी बैटरी अच्छी चलती है, जो लोग बोलते हैं कि बैटरी अच्छी नहीं चलती है आईफोन की, तो यार उनको मैं बता दूँ बॉस, बैटरी बहुत अच्छी चलती है इसकी, सच में आईफोन 16 की। तो यार गाइस ये था फ़ोन का, और कैमरा तो हालांकि आपको पता ही है बहुत ही शानदार कैमरा है इसका, नो डाउट किसी को भी कैमरा आईफोन के शुरू से अच्छे आते हैं। तो यार गाइस मैं आप लोगों को बता दूं, जो आईफोन का 18 वर्ज़न आया है, न्यू वर्ज़न आया है, तो वो वर्ज़न कुछ इस प्रकार से दिखता है। ये देखिए, पहले आईफोन में जो ऊपर नेविगेशंस होते थे वो कुछ अलग प्रकार से दिखते थे, और अब कुछ इस प्रकार से दिखते हैं। ये 18 का फीचर है, और पावर बटन आपको यहीं पे मिल जाएगा फ़ोन को बंद करने का वगैरह। ये देखिए, टच करके रखना पड़ता है शायद इसको। ये देखिए, पहले आपको बटन दबाना पड़ता था,